आज भी कई लोगों को बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, और कई लोग उनको और भी डिमोटिवेट करते जाते हैं। कई लोग सोचते तो हैं, रात को बहुत सोचेंगे, दिन में बहुत सोचेंगे कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ऐसा करना है, वैसा करना है, यहाँ पे इन्वेस्टिंग करनी है, सब कुछ देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, बहुत मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनको रिस्क लगता है और वो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो डिमोटिवेट होते जा रहे हैं लोगों के कहने पर, या अपने माइंड की साइकोलॉजी से वो सोच सोच के डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने ली, वीडियोस देखी, मोटिवेट हुए, बट लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर मोटिवेट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रीज़न नहीं है कि आप अपना इतना टाइम वेस्ट करके आप वीडियोस देख रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, आपने सोच लिया, आपने प्लानिंग कर ली, मैंने ये करना है, वो करना है, बट अगले दिन, नेक्स्ट डे आप फिर वही रूटीन फिर से फॉलो करते हो। इस वीडियो में मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ अगर, तो मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहूँगा कि कई लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट से हम अमीर नहीं बन सकते, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करके हमारा पैसा डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि वो एक जुआ है। तो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि शेयर मार्केट जुआ नहीं है, या है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर लेना। मैं आपको बताऊंगा कि वेल इसमें होता क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करती है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, वो आपको खुद डिसाइड करना है। फिर उसके बाद शेयर मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, या क्या है, वो आप लोग खुद डिसाइड करें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ शेयर मार्केट में होता अपने क्या? इंडियन स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज यानी कि NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें से हमको स्टॉक शेयर्स मिलते हैं, जिनको हम परचेज करते हैं, बाय करते हैं, फिर हमको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ये जो काम करती है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही काम है। तो मान लो, अभी मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका एक दोस्त है राहुल, आपका एक दोस्त है कमल, आपका एक दोस्त है विशाल, तीन दोस्त हैं। उसमें से राहुल ने सोचा कि यार बहुत टाइम हो गया है, जेब में पैसे नहीं है, जॉब करके 12,000 रुपये मिलते हैं, बट मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है। तो राहुल ने सोचा, मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता हूँ। कोई भी बिजनेस आप ले सकते हो। मान लो उसने एक स्टेशनरी शॉप खोलने की सोची, या फिर एक किराना की दुकान खोलने की सोची। एक किराने की दुकान खोलने में उसे 1,00,000 रुपये की फंडिंग चाहिए थी, बट उस 12,000 रुपये नौकरी करने वाले के पास इतनी सेविंग्स नहीं थी, क्योंकि उसने सेविंग्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अब उसके पास जो भी कुल अपना था 20-25,000 रुपये, आप मान सकते हैं इतनी उसकी सेविंग्स होंगी जो उसके पास पड़ी थी। तो उसने अपने दोस्त से कहा, विशाल और कमल से, उसने कहा, आप मुझे कुछ पैसे दे दो जो मैं अपनी दुकान खोलने के लिए लगा सकूं, अपना बिजनेस खोलने के लिए उन पैसों को यूज़ कर सकूं। लाइक उसके पास 25,000 पहले से पड़े हुए हैं, उसे 1,00,000 रुपये की ज़रूरत है। अब उसे कितने चाहिए? मान लो आपको 40-40,000 रुपये वो डिवाइड करके उन दोनों से लेता है, क्योंकि 20,000-25,000 उसके पास पहले से पड़े हैं, उसकी फंडिंग 1,00,000 रुपये कंप्लीट होने में। तो उसने 40-40,000 रुपये अपने दोस्त विशाल और अपने दोस्त कमल से मांगी। तब होगा क्या कि राहुल, विशाल, कमल, राहुल ने बिजनेस करना है, कमल और विशाल से उसने पैसे मांगे, उन्होंने 40-40,000 रुपये दिए, बट क्या कोई पैसे ऐसे ही दे देता है? अगर चलो दे भी देता है, बट राहुल ने एक चीज़ ऑफर करी उसे। उसने कहा, मेरी शॉप, मेरी दुकान जितना ग्रो करेगी, जितने परसेंट ग्रो करेगी, मैं उनका कुछ हिस्सा
आप दोनों को भी दूंगा। आपने मुझे 40,000 रुपए की फंडिंग दी है, मेरे को हेल्प की है शॉप खोलने में, और इसके बाद जितना ग्रो करेगी मैं आपको उतनी फंडिंग दूंगा। मान लो 1 लाख के 2 लाख अगर एक साल में हो जाते हैं तो आपके 40,000 के मैं 80,000 रुपीज़ आपको दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बट एक शर्त और है, वो आपको माननी पड़ेगी। अगर अगर मेरा इसमें कुछ नुकसान हो जाता है, किसी वजह से नुकसान हो जाता है, तो उतना ही नुकसान आपका भी होगा। यानी अगर वो 1 लाख रुपए 50,000 रुपए रह जाते हैं, दुकान ना चल पाई या किसी कारण से मेरा लॉस होता है, तो वो नुकसान आपका भी होगा, मेरे 50,000 आपके भी आधे आधे हो जाएंगे। या फिर 50 में एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आधे होंगे या डबल होंगे, एक ये एक एग्ज़ाम्पल है, जितने परसेंट कम या जितने परसेंट ज़्यादा। तो वो इस बात को एग्री कर लेते हैं, वो एग्री हो गए, उन्होंने 40,000 रुपये इन दोनों को दे दिए। अब होता क्या है, कंपनी ग्रो करती है और उनको प्रॉफिट आता है। अगर आप समझ पा रहे हो तो बिल्कुल सेम स्टॉक मार्केट का भी यही रूल है। किसी कंपनी को अपनी कंपनी शुरू करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है, या कंपनी को बढ़ाने के लिए और ग्रो करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। वो फंडिंग कहाँ से आती है, पब्लिक से। वो पब्लिक को शेयर्स देती है, यानी कि हिस्सेदारी देती है, जैसे कमल और विशाल को राहुल ने दी हिस्सेदारी, दी हिस्सेदारी के बदले उन्हें क्या मिला, पैसे के बदले, सॉरी, उनको पैसे दिए, पैसे के बदले उनको हिस्सेदारी मिली कंपनी में, उनको किराना स्टोर में हिस्सेदारी मिली। वैसे ही पीपल्स को, पब्लिक को कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है, यानी कि शेयर मिलते हैं। शेयर बढ़ेगा यानी कि कंपनी ग्रो कर रही है, शेयर कम होगा यानी कि कंपनी का लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपका भी लॉस या प्रॉफिट होता है। तो इसे समझने के लिए मेरे को ये एग्ज़ाम्पल आपको देना पड़ा। अब आप खुद सोचिए, अगर राहुल ने कमल से फंडिंग ली तो ये जुआ था, गैम्बलिंग थी या क्या था, या आप खुद डिसाइड करें। अब एक चीज़ को समझते हैं कि आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप क्या हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं, आप उस कंपनी के एक एम्प्लॉय हैं, यानी कि नौकर हैं। मगर आपके पास किसी कंपनी की हिस्सेदारी है, पार्टनरशिप है, तो आप क्या कहलाएंगे, उस कंपनी के बॉस कहलाएंगे। तो आपसे यही कहना है, नौकर मत बनो, बॉस बनो।